आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगी क्या होता है, जिसके लिए मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, और इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ से हम ए बी सी डी की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे। जैसे ए यहाँ पर वन है क्योंकि एक्स क्यूब के आगे कोई और न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं लगा, बी एक्स स्क्वायर तो वहाँ एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और सी देखें एक्स का कोफिशियंट है जो है माइनस फोर, और डी वहाँ कोई टर्म नहीं है इसलिए डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ आते हैं कि हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, तो मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करके वहाँ टेबल में लिखी हैं। जैसे एक्स की वैल्यू जब मैंने वन रखी है तो वाई की वैल्यू हो जाती है माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखती हूँ इस पॉलिनोमियल में तो वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, टू रखने पर भी ज़ीरो है, माइनस टू पर भी ज़ीरो है, और माइनस वन रखने पर थ्री। तो ये हमने कुछ रैंडमली एक्स की वैल्यूज लेकर वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ मैंने एक वैल्यू आपको सॉल्व करके दिखा दी है कि एक्स की जगह जब मैंने टू रखा है तो देखिए एक्स क्यूब है तो टू का क्यूब हो गया और माइनस फोर इंटू टू एक्स की जगह, तो टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, टू की पावर जो थ्री है वो एट आएगा आपका आंसर, और फोर टू ज़ा एट तो एट माइनस एट ज़ीरो। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया। अब यही वाले पॉइंट्स लेकर मैंने एक इसको ग्राफ पर प्लॉट किया, रफली प्लॉट किया है यहाँ मैंने, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये यहाँ बताया है कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ का क्या मतलब होता है। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस टू लिया है मैंने एक्स में और वाई है ज़ीरो, तो ये पॉइंट यहाँ मिला है, माइनस वन एक्स का है और थ्री ऊपर वाई का है, उसके बाद देखिए ज़ीरो और ज़ीरो है तो वो ये पॉइंट यहाँ पर ही आ जाएगा जहाँ ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वन एक्स का है और माइनस थ्री वाई में है, और फिर एक और पॉइंट है टू एक्स में है और वाई ज़ीरो है। अब ये ग्राफ की लाइन मुझे कुछ इस तरह से मिली है, तो आप देखें ये जो कर्व है ये एक्स कोऑर्डिनेट को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वन टू थ्री। तो इस तरह से हमें पता चला कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्री जीरोस हैं यहाँ पर जो कि एक्स कोऑर्डिनेट को तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो तीन पॉइंट्स क्या हैं, माइनस टू ज़ीरो एंड टू। तो इस तरह से ये तो आपको पता चल गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये थ्री जीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब इनके बीच, इनके ज़ीरोज के बीच में जो मैंने रिलेशन आपको बताया था एक बार वो आपको रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल का लास्ट क्लास है, पॉलिनोमियल चैप्टर पर बेस्ड ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों ज़ीरोज़ का सम कितना आ रहा है, ज़ीरो, जिसका रिलेशन मैंने आपको बताया था माइनस बी अपॉन ए। तो आप देखें वहाँ से बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, और ज़ीरो और ए की वैल्यू है वन, तो ज़ीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही रहेगा। फिर देखें दूसरा रिलेशन आपको बताया था कि दो ज़ीरोज़ को एक एक बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम लेंगे, जैसे अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करा फिर उसमें ऐड कर दिया बीटा गामा का प्रोडक्ट, फिर उसमें ऐड कर दिया गामा अल्फा का, तो देखिए क्या आ रहा है आंसर, माइनस फोर। और इसका रिलेशन आपको बताया था सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू देखिए वहाँ क्या है, माइनस फोर, और ए क्या है वन, तो ये भी रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो गया। और लास्ट हमने इसका रिलेशन बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का तीनों का प्रोडक्ट, तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो तीनों को देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर है कि आंसर आ रहा है ज़ीरो, और मैंने नेगेटिव साइन ज़ीरो के साथ इसलिए लगाया है इस रिलेशन को आपको वेरीफाई करने के लिए, अदरवाइज ज़ीरो के साथ कोई साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता है। तो माइनस डी अपॉन ए था अल्फ़ा बीटा गामा, तो देख लीजिए वहाँ पर ज़ीरो क्या है, डी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, और नीचे वन ए दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमारा ये पॉलिनोमियल का चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।